दिल्ली की जहरीली हवा से निजात पाने के लिए लॉकडाउन ही उपाय नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने राज्यों के साथ बैठक की और मिनी लॉकडाउन की सिफारिश कर दी। आज राज्यों को सुप्रीम कोर्ट में भी बताना है कि वो प्रदूषण से पार पाने के लिए क्या कर रहे हैं। दिल्ली की हवा में जहर भर गया है। जहरीली हवा से लोगों का दम घुट रहा है, सांस लेना मुश्किल है। दिवाली के बाद से दिल्ली वालों ने साफ आसमान नहीं देखा। हालात इतने भयावह हैं कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी ने दिल्ली और आसपास के स्कूल कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों को अगले आदेश तक बंद रखने का आदेश दे दिया। मतलब कोरोना के बाद एक प्रदूषण के कारण स्कूलों को फिर से ऑनलाइन होना पड़ेगा। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी की आपात बैठक में NCR वाले राज्यों को कहा गया कि वो आधे कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम पर भेजें। प्राइवेट दफ्तरों से भी 21 नवंबर तक ऐसा करने को कहा गया। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए जरूरी सर्विस को छोड़कर सभी ट्रकों पर दिल्ली में आने पर रोक लगेगी। दिल्ली और NCR वाले राज्यों में निर्माण कार्यों पर भी 21 नवंबर तक पाबंदी रहेगी। इससे रेल, मेट्रो, डिफेंस और एयरपोर्ट में होने वाले कंस्ट्रक्शन को अलग रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद कल कमीशन फॉर एयर क्वालिटी की बैठक हुई। कमीशन के अध्यक्ष MM कुट्टी की अगुवाई में हुई बैठक में दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के मुख्य सचिवों के साथ साथ पर्यावरण, स्वास्थ्य मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। राज्यों ने संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला केंद्र सरकार पर छोड़ दिया। बैठक में जिस बातों पर सहमति बनी है उसे लेकर ही राज्य आज सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। बैठक में पराली पर कोई खास चर्चा नहीं हुई। पिछली सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल ने दिल्ली के प्रदूषण में पराली का योगदान सिर्फ 10% बताया था। इसके बाद दिल्ली और पंजाब सरकार आमने सामने आ गई थी। अपना काम करना नहीं सारी उम्र ते झूठे दोष ला के दूजियां नूं ते अपना काम सारी उम्र। इस करके मैं समझदा कि अज पूरी तरह दे नाल केजरीवाल जिहड़ा उह सुप्रीम कोर्ट दे विच एक्सपोज हो गया ते नलायक साबित होया। मैं कह सकदा कि 4% पोल्यूशन वाले नूं बदनाम करी जाणा ते जिहड़ी 96% पोल्यूशन है उहदे ते कोई स्टेप ना। पराली का कंट्रीब्यूशन था, ये सफर का डेटा है, वो कितना सही है कितना नहीं सही है, केंद्र सरकार ने जो हलफनामा जारी किया है उसका बेस क्या है, किस महीने का है, किस समय का है, वो तो वो बता पाएंगे। लेकिन अभी तक जो सफर का जो डेटा पब्लिकली डेली जारी होता है उसके अनुसार तो पिछले 10 दिन में पराली का एक कंट्रीब्यूशन 48% तक उन्होंने हाईएस्ट जारी किया था। दिल्ली में दिवाली के बाद से ही हवा खराब है। कल भी AQI 403 रहा जो बेहद ही खराब है। मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।